हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को कैसे लिंक करेंगे। और यह दोस्तों बता दें, अगर आपको कोई बताता है कि फ्री में पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, ऐसा दोस्तों नहीं है। अगर आपको इस समय जो पेनल्टी आपको 1000 लगनी ही लगनी है, और उसके बाद आपकी पेनल्टी आपकी जो बढ़ेगी वो अगले स्टेप में बताया जाएगा क्या पेमेंट बढ़ेगी। तो ये कोई नहीं बता सकता कितनी बढ़ेगी, 500 बढ़ेगी, 1000 बढ़ेगी। लेकिन अभी इस समय पैन कार्ड की जो इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने यह पैन कार्ड पेनल्टी लगाई है वो 1000 रुपये की लगाई है। और अगर आपके पास कोई दूसरा पैन कार्ड पहले से अवेलेबल होता है, और अगर आप गलती से नया पैन कार्ड अप्लाई कर देते हैं या आप खुद जानबूझ कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 पेनल्टी आपको हर हाल में भरनी पड़ेगी जब इसकी जांच हो जाएगी। तो आपको यह मैं कहूँगा कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के लिए एक ही तरीका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइए। इसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा, आप इस पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक आधार पर दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको आधार नंबर फिल करके अपना आधार नंबर पैन कार्ड नंबर डाल करके अपना पेमेंट को देख लेना है, फिर पेमेंट को कटा लेना है। और यहाँ पर बता दें, जो यहाँ पर बताया कि NRI और नॉन सिटीजन, इसका मतलब दोस्तों ये अगर आपका इंडिया से पैन कार्ड बना हुआ है और आप इंडियन सिटीजन है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैन कार्ड में NRI हो चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, वो पेनल्टी 1000 रुपये पेमेंट भरनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी सोचा कि मैं अभी विदेश रह रहा था, तो ऐसी स्थिति में मैं सोचा कि यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं अपना पैन कार्ड लिंक कर दूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया, तो वहाँ पता चला कि नहीं, मुझे क्योंकि मेरा पैन कार्ड इंडिया से ही बना हुआ था और मैं इंडिया सिटीजन था, इसलिए पैन कार्ड में मेरा जो पेनल्टी का शो हो रहा है वो फिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी मेरा आपको बता दें कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, 1 जुलाई 2017 तक अभी स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 तक लिखा गया है 1000 रुपये आप जो है पेमेंट किसका कर सकते हैं। और यहाँ पर बता दें, यहाँ पर पहले पैन नंबर डालना होगा, फिर आधार नंबर डालना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कौन कौन से एलिजिबल है पैन कार्ड के लिए, और पैन कार्ड में जो लिंक करने के लिए कौन कौन से एलिजिबल नहीं है, उनको पैन कार्ड लिंक कराना जो नहीं है। NRI अगर है आप कैंडिडेट, तो आपको कराना जरूरत नहीं है। नॉट आ सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भी कराना जरूरत नहीं है। एज आप 80 ईयर डेट ऑफ बर्थ है, उसको भी कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आते हैं, तो आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। और ये NRI का मतलब दोस्तों ये हुआ नॉन रेसिडेंट इंडिया, इसका मतलब आप जो है भारत के निवासी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ जैसे कैंडिडेट विदेश रह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वो जब यहाँ पे आए हैं तो इस स्थिति में वहाँ पे पेनल्टी शो हो रहा है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने सोचा कि मैं तो इंडिया में था नहीं, तो फिर स्थिति में मैं पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए गया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ बताया गया कि जो है आपका पैन कार्ड इंडिया का ही बना था, उस पर लिखा गया था कि ये सिटीजन सर्विस है, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए वो जो गवर्नमेंट पेनल्टी लगा रहे उनको पे करना ही पड़ेगा। 1000 का पेमेंट शो हो रहा है, तो मैं इसको पेमेंट को करके बताऊंगा। चलिए, तो मैं यहाँ पेमेंट का पैन कार्ड नंबर आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। मैंने आधार नंबर पैन कार्ड नंबर फिल कर लिया, फिर वैलिड पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके का पॉपअप शो हो जाएगा। कंटिन्यू पे एंड थ्रो पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा न्यू पेज दोस्तों ओपन हो जाएगा। लोडेड होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को फिलअप करने का पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा दोबारा से, फिर पैन कार्ड कंफर्म करेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको पैन नंबर डालना है, कंफर्म पैन नंबर करना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपने डाल रखा है उस पर एक OTP आएगा, OTP डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTP यहाँ सबमिट करने के बाद कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पैन नंबर शो हो जाएगा, नाम शो हो जाएगा, और यह बताया जा रहा है कि आपका पैन कार्ड जो है एक्टिवेट है। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा न्यू पेज खुल के आ जाएगा इस तरीके का। और यहाँ पर आपको देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रखा है और एलिजिबिलिटी दे रखा है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं प्रोसीड पे कर सकते हैं क्लिक। यहाँ पे दोस्तों इनकम टैक्स के बहुत सारे कॉलम्स खुले हुए हैं, तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो इनकम टैक्स वाला ये आपका देखिए 100 वाला जो ऑप्शन खुल रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे दोस्तों इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे असाइनमेंट ईयर चूज करना है 2023-24, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनर आप हेड अगर आप हैं तो इस स्थिति में अदर रिसिप्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बताया गया है ये जो आपका मेजर हेड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अदेंट कंप्लेंट के अकॉर्डिंग आपका है, कंटिन्यू पे क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो आपका पेमेंट कटेगा दोस्तों, अगर आप माइनर केस में आपका पैन कार्ड बना था उस केस में आपका पेमेंट कटेगा, अगर आप माइनर कैंडिडेट नहीं हैं। जैसे ही दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा माइनर
हेड पे, तो इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे 1000 का पेमेंट शो हो रहा है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज दोस्तों ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी बैंक से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप कटा सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग कटाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका टर्म एंड कंडीशन और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और टर्म एंड कंडीशन को सब कर लीजिएगा और सबमिट टू बैंक क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे आपका ये पेमेंट जो है, पेमेंट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे कंटिन्यू पे करके अपना बैंक पेमेंट कटा देते हैं। हमने अपने नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग पेमेंट कटा लिया है दोस्तों। उसके बाद जैसे हम पेमेंट हमारा सक्सेसफुली डन होगा उसके बाद हमारा फाइंड ए रिसीप्ट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा इस तरीके का डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने इस जो आपने पेमेंट कटा रखा है इस पेमेंट को आपको सेव करके रख लेना है क्योंकि आपने अभी जनरेट किया है। नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट आपके कहती है कि आपने पेमेंट नहीं कटाया है तो आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको क्या करना है डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी चालान रसीद सेव करके रख लेना है और प्रिंट करके भी रख लेना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, देखिए मैंने अपना चालान दर्ज चालान जो रसीद है उसको सेव कर लेंगे दोस्तों। भविष्य में भी यह काम आ सकती है क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपकी कहेगी कि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से जो चालान रसीद होगी उस चालान को डाउनलोड कर लीजिए और या आपका लगभग एक हफ्ते 30 दिन के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इस रसीद को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।